सूबाई वजीर अमूर नौजवानान हुसैन जहानिया गर्देजी ने कहा कि पाकिस्तान में ज़रात की तरक्की न होने की सबसे बड़ी वजह अच्छे मयारी बीज का न होना है। मज़ीद तफ़सीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा रोही अथल आशारी से। जी अथल आशारी, बताइएगा क्या तफ़सीलात है। देखिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ के हवाले से बात करें, तो इस वक्त हुसैन जहानिया गर्देजी साहब यहाँ बहावलपुर पहुँचे, उनसे बात करेंगे। गो के उनके पास वो सूबाई वजीर हैं मोरे नौजवान के, लेकिन बेसिकली वो सबका वजीर भी हैं एग्रीकल्चर के भी, और बहुत बड़े खुद भी एग्रेरियन भी हैं और काश्तकार भी हैं। सर, ये फरमाइएगा, इस वक्त जो एग्रीकल्चर जा रही है, काश्तकार तबका हो या मुख्तलिफ एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए स्टेक होल्डर हों, वो ज़्यादा मुतमईन नहीं दिखाई देते, कहाँ गैप नज़र आता है, इसको आगे लेकर जाने के लिए क्या देखते हैं? इसकी दो तीन वजूहत हैं मुख्तलिफ। एक तो आपको पता है एग्रीकल्चर जो है नेचर पे बहुत डिपेंड करता है। एक नेचर ने पिछले सालों में कोई यील्ड्स कम रही हैं, दूसरा कुछ हमारे यहाँ अभी एग्रीकल्चर रिसर्च पे कई सालों से काम सही मानों में नहीं हो रहा, जिससे नई वराइटीज़ नहीं आई मुख्तलिफ कीमों में, और वो नई वराइटीज़ ना आने की वजह से, ख़ास तौर पर मैं यहाँ जिक्र करूँगा क्योंकि ये इलाका कॉटन के हवाले से मशहूर है, और कॉटन के में अभी हम टेक्नोलॉजी हम देखें तो हम बहुत पीछे रह गए हैं कॉटन में। बाकी दुनिया में टेक्नोलॉजी कॉटन की टोटली चेंज हो गई है और हमारे यहाँ चेंज नहीं हुई, तो इस वजह से हम परेशान हैं। हमारे ख़ास तौर पर साउथ पंजाब के लोग जिम्मेदार कि उन्हें अब चॉइस बड़ी लिमिटेड हो गई है, जो उनकी मेजर क्रॉप थी वो उसमें अब नाकामी हो रही है उनकी। नाकामी हो रही है, बात करेंगे आसिफ मजीद साहब यहाँ पर मौजूद हैं। सर, उम्मीद बेहतरी की कहीं गुंजाइश मौजूद है, नजर आती है? इंशाल्लाह जी, बड़ा अच्छा जिस तरह भी आज भी ये प्रोग्राम है और बाकी करना है बात, एग्रीकल्चर में बेहतरी की गुंजाइश तो बहुत है और वो लानी है सीड ने, सीड के बगैर हो कुछ। सर, टेक्नोलॉजी की बात की है ना जी, पूरी ज़राअत, ये कॉटन तो है ही है लेकिन इस वक्त ज़राअत सारी गुजरी है सीड के गिर्द, तो सीड का सिस्टम बेहतर कर देंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अदरवाइज मुश्किल है। सीड का सिस्टम बेहतर करेंगे तो चीज़ें ठीक होंगी। खालिद महमूद बड़ाई साहब यहाँ पर मौजूद हैं, कुकर साहब यहाँ पर आए हुए हैं, तो आज बुनियादी तौर पर यही सवाल था कि एग्रीकल्चर कैसे आगे जा सकती है, तो जब तक सीड की डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं होता उस वक्त तक एग्रीकल्चर। बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे।